फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं डायल पैड ट्विंस के बारे में, जैसे कि हम इसको कैसे ऑन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये रेडमी का फ़ोन है और सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सेटिंग पर क्लिक कर लेना होगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स सेटिंग पर। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड आप इसे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको दिखा रहा है साउंड एंड वाइब्रेट, तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड आप इसे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको दिखा रहा है एडिशनल सेटिंग, तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, डायल पैड ट्विंस को यहाँ से, जैसे कि हमने आपको शुरू में ही बताया था, तो यहाँ से हम ऑन कर देंगे। ऑन करते ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये क्या काम में यूज़ होता है। जैसे कि हम कुछ भी डायल वगैरह करते हैं तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं ये डायल कर लेता हूँ, मैं नंबर नहीं दिखाना चाहता हूँ इसलिए मैंने वो छुपा लिया है। तो मैं कुछ भी डायल करता हूँ तो साउंड आएगी, ये देखिए इस तरीके से ये साउंड आएगी, इसलिए ये होता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।